रातों में, बिंगी रातों में, पुराने कन्हे प्रभु का गाना दिल से गाना है प्रभु का। नारी नर नारी है जीवन जीने की, सोच रखनी है अच्छी रखनी है। नरे नरे सब कार्य करता है, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाता है। नारी तो सब कुछ जान और जहान है, क्योंकि नर नारी है तो प्रेम प्यार से जिंदगी जी सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर नारी की महानता खूब सारी है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड के अंदर पैसे कमाते हैं, और नारी 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 का मतलब होता है औरत, नर का मतलब होता है आदमी। आदमी सिर्फ और सिर्फ खाना खाना, अच्छी नींद ले लेना, कुछ कार्य नहीं करना, कारोबार करना, पैसा कमाना, सिर्फ और सिर्फ पैसे 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 के पीछे पड़े रहते हैं, परिवार का ख्याल नहीं रखते हैं। और नारी जब एक लड़की जन्म लेती है वो नारी हो जाती है, और नारी का रूप होता है लक्ष्मी, काली, सरस्वती। क्योंकि ऐसा बोलना है, आप लोगों को बहुत जलन होगी। जो सच्ची बात होती है आप लोगों को बहुत, हमारा संदेश गलत लगता है। और हम हमेशा अच्छी सोच के साथ में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमने सोचा था आजकल परिवार के अंदर बहुत दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। इसलिए सभी नारियों को अच्छी सोच के मायने रखने के लिए वीडियो बनाते रहे हैं। कृपया करके ये वीडियो कम से कम 100 या 200 जेंट्स लेडीज़ को शेयर कीजिए। ये वीडियो वायरल करना है और नारी को बचाना है। जब बच्ची छोटी रहती है, जन्म लेती है, उसको सूखे में सुलाती है उसकी माँ, और खुद आले में सोती है। और जब उसका 25 साल तक इसको स्कूल पढ़ाना, कॉलेज पढ़ाना, और उसके बाद में शादी करना, शादी करने पर ससुराल में जाकर के नाटक करना, कृपया ऐसा करके ना करें। क्योंकि जैसा आप करोगे वही, जैसे आपकी 25 साल उम्र है, 40 साल तुम्हारी उम्र आएगी, वो वापिस तुम लोगों को ही वापिस भोगना पड़ेगा। तुम्हारी औलाद तुम लोगों को सबक सिखाने वाली है। क्योंकि एक नारी बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, घर का सभी कार्य करना, नौकरानी बन जाना, ये एक छोटी सी सिंदूर की वजह से उसको कितना भोगना पड़ता है। कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, खाना बनाना, सबको खिलाना, बर्तन धोना, बर्तन को सजा के रखना, परिवार को एकजुट होकर के रखना, नारी का बहुत बड़ा है। क्योंकि ये सिंदूर का जलवा है और इंसानों को, नर को अच्छी तरह से रखती है। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इंसानों को उसकी पत्नी और उसकी माँ और उसकी दादी अच्छी सोच दे करके उसको अच्छे इंसान बना देते हैं। और जो नर दारू, मिराज, गुटखा, गंदी आदत सीख करके परिवार को बर्बाद कर सकता है, यही है नर और नारी का अंतर। नर और नारी का अंतर है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि प्रेम से जीना सीखो, माता पिता की सेवा करनी सीखो। भीगी भीगी रातों में,
पुराने जीवन जीना सीखो, तुम्हारे बाप दादा का संस्कार में जिंदगी को जीना सीखो। बुरी बुरी नजर ना लग जाए, क्योंकि बिंगी बिंगी रहता में छोटी छोटी बातें हो जाती है। जब परिवार की बात आती है तो आपस में तू मैं कर देते हैं। कृपया करके ऐसा कभी भी किसी के भी परिवार के अंदर दुरुपयोग ना करें, और अच्छे कार्य के अंदर सहयोग कीजिए, और दूसरे घरों के अंदर टांग अड़ाना, किसी के कार्य में टांग अड़ाना कृपया करके ऐसा गंदा काम ना करें, क्योंकि ये जीवन है। जीवन जीने की अच्छी सोच रखो, और जिंदगी में हमेशा नाम कमाना सीखो, पैसा कमाना मत सीखो, क्योंकि पैसा इंसान को घमंड के पास में लेकर के चले जाता है। और जब घमंड के अंदर इंसान रहता है, पैसा तो खूब कमा लेता है, परिवार अपने माता पिता सबको खो बैठता है, और जब उसका छोटी सी बीमारी लगती है तो वो सारा पैसा बीमारी के अंदर पूरा ख़त्म हो जाता है। नहीं बचा खुद का शरीर और नहीं बचा उसका परिवार, तो वो ऐसा पैसा कमा के क्या करेगा इंसान। इसलिए प्रेम से जीना सीखो, संस्कार के अंदर जीवन सीखो, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल ये अंग्रेज लोगों का है, ये भारत का रीति रिवाज नहीं है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कृपया करके अपनी माता पिता की सेवा करें, सच्च भावना रखें, भारत को के अंदर स्वच्छता अपनाए, किसी का भी दुरुपयोग ना करें। अच्छी सोच रखोगे तो हमेशा के लिए जिंदगी में आप आगे बढ़ सकेंगे। यही है हमारा हिंदू धर्म का, यही हमारा भारत महान था, महान रहेगा, क्योंकि हमारा प्यारा है राजस्थान। कण कण के अंदर बहुत बहुत सारी जमीन के अंदर चीज़ें हैं जो किसी को आज तक मालूम पड़ा भी नहीं है, और पढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि सोने से भी महंगी ये राजस्थान की मिट्टी है। क्योंकि जो कबड्डी मिट्टी के अंदर खेले जाते हैं राजस्थान के अंदर, और लड़कों को मज़ा आ जाता है, गिल्ली डंडा खेल देते हैं और मज़ा आ जाता है, और उसके बाद में कांच की गोली खेलना मज़ा आ जाता है, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, और आजकल तो ये तुतु मैं ऐसे हो गया है, सभी खेल ख़त्म हो रहा है, और सिर्फ मोबाइल के पीछे लोग पड़े हैं। मोबाइल के पीछे पड़ोगे शरीर के अंदर बीमारियां खूब सारी लग जाएगी, और आँखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि हम हमेशा सोच समझकर संदेश पूरे वर्ल्ड के अंदर हम अच्छा संदेश हमारी YouTube चैनल के माध्यम से हम संदेश शेयर करते हैं। इसलिए मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों को सबको राम राम, सबको नमस्कार, और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके जल्दी से जल्दी जहाँ पर राइट का है थंब डालिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कृपया करके ये कम से कम 50 से 100 आदमियों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का है, नर नारी का ये वीडियो है, सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि लड़का लड़की का जीवन के अंदर ये वीडियो बहुत मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि जैसी सोच रखोगे वैसा ही आप आगे बढ़ोगे। इसलिए हम ये हमेशा अच्छी सोच के साथ में अच्छा संदेश देना चाहता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों का हमेशा जीवन सफल सहायता, और हमेशा आगे बढ़े, किसी का भी दुरुपयोग ना करें। यही है हमारा संदेश, यही है हमारा धर्म, और
जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही तुम लोगों को वापस भोगना पड़ेगा। पैसा 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 मत करते रहना, क्योंकि पैसा घर और दुकान तक रहता है और परिवार शमशान तक ही रहता है और कर्म धर्म हमेशा साथ में रहता है। यही है हमारा संदेश।